a lot of credit also to Basuda, Chitchor original जो इस picture की थी, और शायद मैं प्रेम की दीवानी में मैं वो सिंप्लिसिटी शायद नहीं कैप्चर कर पाया जो ओरिजिनल चिच्चोर की थी। अभिषेक करीना का आई कैन नॉट फॉरगेट, बिकॉज अगर मैंने सेट पे किसी एक्टर को डांटा है तो इन्हें ही डांटा है। फिर ऑफ कोर्स क्योंकि अभिषेक का रोल छोटा था तो फिर बच्चन सर ने कहा कि हम गेस्ट अपीयरेंस लेंगे। मैं प्रेम की दीवानी हूँ, जब इसकी कास्टिंग हुई तो हम, मुझे लगता है हम 3 डायरेक्टर्स ये कास्टिंग चाह रहे थे, इतना मुझे मालूम है। ऋषि जी, राज, मुझे लगता है राज संतोषी जी और मेरा, हम 3 ये कास्टिंग चाह रहे थे, ऋतिक अभिषेक साथ में। और दिस वॉज ड्रीम कास्टिंग, किसको मिलेगी वी डू नॉट नो, बिकॉज ऋतिक वॉज ऑलरेडी स्टार, अभिषेक ऑफ कोर्स इज बच्चन सर के सन, हिज फर्स्ट फिल्म इज रिलीज, नाम बहुत था। तो ये कॉम्बिनेशन फाइनली मिला मुझे पहली बार। और मुझे अभी भी याद है मेरे फादर ने इंसिस्ट किया कि नहीं दोनों बहुत बड़े फैमिली के हैं तो दोनों के माँ बाप को मिला के आप स्क्रिप्ट सुनाओ। तो सबसे पहले हम राकेश जी के पास गए, राकेश जी और ऋतिक को स्क्रिप्ट सुनाई। फिर हमने जाकर के बच्चन सर, जया जी और अभिषेक को साथ में स्क्रिप्ट सुनाई दोनों को, ताकि सबको पता चले रोल क्या है। फिर ऑफ कोर्स क्योंकि अभिषेक का रोल छोटा था तो फिर बच्चन सर ने कहा कि हम गेस्ट अपीयरेंस लेंगे। बट सबसे बड़ी चीज़ मैं प्रेम की दीवानी की ये थी कि जब पिक्चर कंप्लीट हुई और टाइटल्स की बात आई तो अभिषेक का फ़ोन आया कि मैं गेस्ट अपीयरेंस नहीं चाहता, आई वॉन्ट टू बी एज मच पार्ट ऑफ द पिक्चर एज ऋतिक एंड करीना, एंड ही अग्रीड टू ऋतिक रोशन, करीना कपूर, अभिषेक बच्चन। दैट इज़ वॉट अभिषेक इज़ ऑल अबाउट, and both all 3 are very close to me, but Abhishek Kareena का I cannot forget, because अगर मैंने सेट पे किसी एक्टर को डांटा है तो इन्हें ही डांटा है, अभिषेक करीना को। नॉर्मली मैंने इतना किया नहीं है क्योंकि ये दोनों कभी रिहर्सल करते ही नहीं थे, मस्ती 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 मस्ती। तो एक दिन तो ऐसा हो गया, मैंने यूँ माइक फेंका, मैंने कहा 4 बजे क्या यूँ मैं पागलों की तरह उठाऊँ क्या, ये क्या? तो चुप हो गए दोनों, चलो करो अभी, ऐसे ऐसे रूट के बैठ गए दोनों करने के लिए। 10 मिनट में फिर हंसी मजाक, मैंने कहा चलो जो करना है करो। बट आई हैव टू से आई हैड अ ग्रेट टाइम मेकिंग दिस पिक्चर, एंड अनु जी के साथ भी बहुत मज़ा आया। बहुत मतलब बहुत पैशनेट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो, बहुत पैशनेट। मुझे याद है वो हम लोग गाना कर रहे थे कसम की कसम, कसम से। तो जब पिक्चराइज़ कर रहे थे तो मैंने करीना को थोड़ा सा सैड मूड में रखा, तो मेरे फादर और मेरे कैमरामैन सब बोले कि अरे बहुत सैड हो रहा है गाना, थोड़ी स्माइल होनी चाहिए करीना पे। तो मैंने कहा नहीं, ये सिचुएशन थोड़ी इंटेंस है, तो 16 बरस की बाली उम्र जैसी सिचुएशन है। बोला फिर तो उदास हो रहा है बहुत। काफ़ी बहस हुई। मैंने अनु मलिक जी को फ़ोन किया कि अनु जी एक बार आप आइए, थोड़ा इस गाने का पिक्चराइजेशन कैसे होना चाहिए। रिकॉर्डिंग छोड़ के आ गए सेट पर, हाँ क्या हो रहा है महबूब। तो फिर वो बोले कैसा, नहीं 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 राज बाबू ही टोल में, और ऐसे बैठ गए करीना की जगह पे। बोलते नहीं, इसके पहले डायलॉग देखिए, वो माँ बोल रही है जान पे जान, मतलब ये ऋतिक जाए तो हम हमारे जान में जान आए। कितना फील हुआ उस करीना, और उन्होंने अपनी एक्टिंग शुरू की। तो बट पैशन था कि म्यूज़िक के प्रति। चित्रा जी ने गाने गाए और कसम की कसम आज भी इतना लोग सुनते हैं, तो मुझे वो हमेशा याद आता है कि अगर हंसा देता तो शायद ये सिचुएशन इतनी हिट नहीं होती। एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट ऑल्सो टू बासुदा, चिच्चोर ओरिजिनल जो इस पिक्चर की थी। और शायद मैं प्रेम की दीवानी में मैं वो सिंप्लिसिटी शायद नहीं कैप्चर कर पाया जो ओरिजिनल चिच्चोर की थी। चिच्चोर 1976 में राष्ट्री ने बनाई, चितचकोर कहानी पे बेस्ड थी, बासुदा ने डायरेक्ट की, नेशनल अवार्ड येसुदास जी को मिला। उसी का रूपांतक मैं प्रेम की दीवानी हूँ। वी एन्जॉयड मेकिंग, बट कई बार मुझे लगता है वो शायद वो जो भोलापन था ना ओरिजिनल, वो शायद मैंने मैं छू नहीं पाया। मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। बोले नहीं नहीं, एक बार आप हमारे घर आए थे, बोले हाँ बहुत पहले आया था, बसुम जी के साथ आया था। आपके घर में कुछ बच्चों का कुछ फंक्शन था, कोई पार्टी थी। बोले हाँ वो मेरा बर्थडे था, आप मेरे बर्थडे पे आए थे और आपने बेबी क्री वगैरह की, बहुत कुछ किया। मुझे आज भी याद है आपने क्या क्या किया। बोली अरे अच्छा, तो वो बहुत छोटे थे सब, और उस वक्त की बात उनको याद है। और वो आदमी हम्बल होकर कह रहे हैं, कई लोग छुपाते हैं, झूठे लोग हैं। बाप रे बाप, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, मगर ऐसे ग्रेट लोग हैं यार। ये सूरज जी हमारे। और मैंने फिल्म की, हम लोग न्यूजीलैंड में शूटिंग की, वहाँ पे कहीं भी बेचारे हर चीज़ को भूता। उनकी मिसेस बेचारी, वो भी बहुत प्यारी, बहुत ही हम लोग इतना ध्यान रखते थे। वो आप लोगों ने खाना खाया, हाँ जी, क्या ये वो, ये कौन करता है? फिल्म इंडस्ट्री ऐसे लोगों की वजह से टिकी हुई, मैं कह रहा हूँ। जॉनी भाई इज़ अ ग्रेट पर्सन, रियली ग्रेट पर्सन। और मतलब हम तो फ़ैन, लाइक इन्होंने कहा बचपन से थे, क्योंकि पहला अगर किसी को मिमिक्री करते हुए देखा तो जॉनी भाई को देखा था। और जब मैं प्रेम की दीवानी की कास्टिंग की बात हुई तो जॉनी भाई सबसे बिजी थे। मतलब ऐसे कोई फिल्म ही नहीं होती थी जब जॉनी भाई जिसमें ना हो। तो मैंने उनको जब बुलाया तो किया, आए, टाइम निकाला उन्होंने, और भले ही छोटा रोल था, बोले मैं करूँगा। और न्यूजीलैंड भी आए, और मतलब जब टाइम मिले, जब गैप हो, जब एक्टर वेट करें जॉनी भाई की तरफ देखो तो और वो मिमिक्री शुरू कर दें। बट एक चीज़ है, वो हर एक का करते हैं, कब मेरा कर दें वो भी मेरे को मालूम नहीं। वो क्या उनमें एक मिमिक्री का आर्ट है। बट उसके साथ साथ जो एक चीज़ मैंने देखी, बहुत मेडिटेटिव आदमी है। मतलब ये पता नहीं लोगों को मालूम है कि नहीं, वो सीधा बात करते हैं ऊपर। मैं छोटा सा इंसिडेंट देता हूँ। हम लोग न्यूजीलैंड में शूट कर रहे थे और लास्ट डे था, पैकअप का दिन था। और उस दिन एकदम बारिश हो गई, एकदम बारिश हो गई, और हमें ख़त्म ही करना था, नहीं तो ये होता नहीं। और ख़ास न्यूजीलैंड का सीन था, तो मैं खड़ा था, ऋतिक सब थे, जॉनी भाई खड़े थे। और वो पहचान गए कि मैं बड़ा एजी हो रहा हूँ क्योंकि बारिश रुकनी चाहिए। तो उन्होंने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा, और ऐसे सिर्फ ऐसा हाथ पकड़ा, तो मुझे एकदम लगा कि ये कैसा हाथ है, एकदम स्पर्श। और फिर ऐसा ऊपर देखा उन्होंने, आंखें बंद की, एंड लिटरली इन 10-12 मिनट्स द बारिश स्टॉप्ड। तो जो इतने हंसाते हैं, सबका एंटरटेनमेंट करते, इतना किया है, पर अंदर से बहुत ही मेडिटेटिव, बहुत ही प्रेयर करने वाले जॉनी भाई। ये इंसिडेंट मुझे हमेशा, ज़्यादा बोलते नहीं इस बारे में, बट मुझे ये मेरे आंखों देखी की बात है। बारिश रुकी और फिर आई नहीं, जब तक शूटिंग कंप्लीट नहीं, उसके बाद फिर आए, वो अलग बात है। तो बहुत बहुत बढ़िया, एक ही फिल्म की मैंने, बट जब मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं जॉनी भाई।